जी शुभ संधि। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक बहुत ही पावरफुल वाला माइक्रोफोन। तो ये जो माइक्रोफोन आप देख रहे हैं ये बहुत ही दूर से बहुत ही अच्छा ये साउंड जो है वो कैप्चर करते हैं। आप जितने भी दूर होगा उस दूरी पर जो भी बात कर रहा होगा जो भी साउंड होगा वो साउंड आप आसानी से सुन सकते हैं इस हेडफोन के जरिए। और ये जो कंट्रोल होता है ये इस सर्किट के मदद से कंट्रोल होते हैं। तो माइक्रोफोन के अंदर भी एक सर्किट है, इसके अंदर ये जो बार है वो भी एक सर्किट है, ठीक है। दोनों सर्किट को मिला के इसको बनाया है। तो इस पर कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना इसका आउटपुट होगा और कितना साउंड क्लियरली दिखाई सुनाई देगा वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो किस प्रकार से आसानी से घर पे एक बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी का माइक्रोफोन बना सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। नया PCB के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB। अच्छे क्वालिटी PCB का भरोसा JLC PCB। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका PCB। और JLC PCB से SMT कंपोनेंट भी आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ इस पर आप बोम फाइल अपलोड कीजिए, गर्बल फाइल अपलोड कीजिए और CPL फाइल अपलोड करके आसानी से SMT PCB बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। अभी हम लोग जो सर्किट है जो माइक्रोफोन है उसको हमने बना दिया है अभी। तो माइक्रोफोन को अभी जो सर्किट पे बनाया है उसको आप डायरेक्टली कोई भी कंप्यूटर पे जैक लगा के आप इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हेडफोन से सुनेंगे। तो हेडफोन से सुनने के लिए अलग से एक एम्पलीफायर की जरूरत होगा। तो अभी चलिए एम्पलीफायर को हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद हम लोग इसका साउंड सुनेंगे, एम्पलीफायर को मॉडिफाई के मतलब साउंड को बढ़ा के हम लोग इसको सुनेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एम्पलीफायर को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों सर्किट का कनेक्शन करके उसके बाद हम लोग सुनेंगे। देख सकते हैं इस पर मैंने एक हेडफोन लगा दिया है और इसका आउटपुट से हेडफोन के अंदर इनपुट कर दिया है। वॉल्यूम इस पर है, वॉल्यूम मैंने अभी कम कर दिया है
नहीं तो मेरा साउंड बहुत ही ज्यादा सुनाई देगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम का भी मैंने बंद रखा है, तो जब भी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो साउंड मुझको सुनाई देगा, बहुत ही दूर का साउंड मुझे सुनाई देगा। तो अभी आपको इसको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो अभी इसका जो जैक है इसको हम लोग खोलेंगे, तो यहाँ पे है जैक, तो इसको हम लोग खोल के आपके जो कैमरा है इसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद आपको सुनाई देगा दूर का साउंड, ठीक है। तो अभी इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखा आपने किस प्रकार से इसका साउंड आसानी से सुनाई दे रहा है आपको। तो अभी हम लोग इसका साउंड और भी बढ़ाएंगे, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस का जो साउंड है उसको किस प्रकार से सुन सकते हैं। तो उसको सुनने के लिए एक डिश के अंदर हम लोग इसको फिट करेंगे, मतलब एक जो डिश होता है उसके ऊपर इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद जब भी डिश जहां पे हम लोग मूविंग करेंगे उसका जो साउंड होगा वही हम लोगों को सुनाई देगा, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आपको सुनाई देगा। अगर स्ट्रेट हुआ मतलब अगर जगह खाली होगा तो आपको सुनाई देगा, अगर इसमें कोई जाम होगा तो अंदर का जो साउंड होगा वो सुनाई देगा। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करेंगे आउटडोर पे जाके। तो अभी देखिए आउटडोर पे हम लोग आ गए हैं, तो इस डिश पे मैंने इस माइक्रोफोन को फिट कर दिया है और इसका लाइन आके यहाँ पे मैंने जो एम्पलीफाई है इसको फिट कर दिया है यहाँ पे बोलियो में, और जैक को हम लोग लगाएंगे कैमरा पे। लगाने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, और दूर पे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक बंदा है वहाँ पे, वो मोबाइल पे बात करेगा, करने के बाद जो भी बात करेगा वो हम लोगों को सुनाई देगा। डायरेक्ट हम लोग नहीं सुन सकते लेकिन हम लोग इसके मदद से हम लोग सुन सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और साथ में कुछ नॉइज़ भी वगैरह आएगा क्योंकि बहुत सारे साउंड ये कैप्चर करता है। तो अभी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तो उसको अभी बोल रहे हैं वॉइस करने के लिए, तो वॉइस शुरू करो। तो अभी देखिए वॉइस कर रहा है लेकिन हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग जैक को लगाएंगे, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउंड हमने सुना दिया है आप लोगों को। तो ये जो डिश है इसके मदद से हम लोग बहुत सारे साउंड जो है वो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कैप्चर होगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक साउंड क्वालिटी वाला एक माइक्रोफोन आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।